और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं एक दिन पहले ऐसा लगा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी या धरना में प्रदर्शन में शामिल लोग थे उनकी संख्या यकायक कम होने लग रही थी, लेकिन अचानक से राकेश टिकैत ने भावुक होकर जो संदेश दिया उसके बाद से आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर से जो आंदोलन है वो अपने दिशा को पकड़ चुका है। हालांकि अब काफी सियासी लोग यहां पर आ रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया ने ज्वाइन किया, साथ ही साथ अलका लांबा कांग्रेस से, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से, लेकिन कोई भी सियासतदान यहां से मंच शेयर नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अब लोगों को संगठित करके एक दिशा, खासकर उन तीनों कानूनों को खत्म करने की दिशा में लगातार यहां से आंदोलनकारी एक के बाद एक हुंकार भर रहे हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर से गाजीपुर आज। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत चल रही है, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना है। लेकिन इस बीच हम आपको सीधा लिए चलेंगे सिंगू बॉर्डर, क्योंकि वहां पर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। हमारे सहयोगी सत्यन चौहान और अरविंद ओझा दोनों वहीं से मौजूद हैं। सत्यन, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, अभी स्थिति क्या है बताइए। देखिए नवजोत, सबसे पहले जो ये वाक्य यहाँ पर हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, ये देखिए, यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था और ये टेंट कहीं ना कहीं पुलिस का कंट्रोल रूम बना हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पथराव यहाँ पर हुआ था। और टेंट की हालत क्या है ये आप ये दृश्य देख कर खूब अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर SHO प्रदीप कुमार के ऊपर तलवार से हमला हुआ था। इसके अलावा अब हालात क्या है ये देखिए, अगर मैं कैमरे को पीछे ले जाऊं तो जहां पर भी आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। और वो जो क्रेन आपको सामने दिखाई दे रही है, ये क्रेन अब जो ये बैरिकेडिंग है इसको और पुख्ता कर रही है। और इस बैरिकेडिंग के पीछे ठीक पीछे ये देखिए, ये जो टेंट लगे हुए हैं ये वो टेंट है जहां पर पंजाब से आए किसान प्रदर्शनकारी इन टेंटों में रह रहे हैं। ये इनका किचन है जहां पर खाना बनता है। और यहीं से जब वो लोग यहां पर धरना प्रदर्शन करने आए थे तो वो यहां से दौड़ते हुए आए थे वहां से। और वहां पर जो बैरिकेडिंग अभी भी दिखाई दे रही है, वहां पर अभी भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है। और किस कदर बना हुआ है कि फोर्स को पहले रिलैक्स मोड पर छोड़ दिया जाता था और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टुकड़ियां हैं RAF की और दिल्ली पुलिस की, तो बिल्कुल एकदम मुस्तैद इनको किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में पुलिस मामले पर नियंत्रण पा सके।